नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम है आशा अधिकारी और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आशा अधिकारी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी बजे हैं सुबह के 6 और मैं जा रही हूँ अभी डेयरी दूध देने के लिए। और बाकी मैंने सोचा कि आज सुबह का ब्लॉग दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मेरी गुड़िया उठ के बैठी है यहाँ पर। ये सुबह सुबह उठ के गायों के पास आती है और गायें भी बाहर बांध दी है मैंने। बकरियाँ नहीं बांधी हैं अभी, क्योंकि कुत्ता बकरी को परेशान करता है, डर लगती है कहीं काट कूट ना दे करके। बकरियों को मैं आके बांधूंगी अभी। तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह से करती हूँ और आप लोगों को आज डेयरी ले चलती हूँ अपनी, दिखाती हूँ कि हमारी डेयरी कहाँ पर है और मिलाती हूँ आपसे कि वहाँ कौन कौन लोग, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं अभी रोड में आ गई हूँ और मेरे साथ ये दीदी जी आई हुई है और ये हमारा दूध ले जाती हैं। आज मैंने इनसे कहा कि चलो आज मैं भी आती हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ से पशु आहार का कट्टा भी लाना है और इसलिए मैं जा रही हूँ आज दूध देने। मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, आज घूम के आती हूँ मैं भी। है राहुल मामा, तुमने रोजा रोज हमें दूध लू लेना थक दिन लाने। अच्छा, पहले हमारी डेयरी बहुत दूर थी दोस्तों, हमको गोविंदपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब हमारी डेयरी हमारे गांव में ही आ गई है, नकुटा गांव में। और मिलाती हूँ आपसे, मिले हैं आप उनसे जो डेयरी चलाती हैं, सचिव हैं जो डेयरी की। देखिए दोस्तों, अब हम डेयरी पे पहुँच चुके हैं और दिखाती हूँ आप लोगों को। ये लोग दूध दे के आ गए। अगिशा दूध भी है, तुम्हें वीडियो बनाएगा। देखिए दोस्तों, ये रही डेयरी और यहाँ पे ये दूध भरने के लिए आए हैं। और ये रही सचिव, ये हमारी जिठानी है, हमारी दीदी। और ये दूध भरने के लिए आए हैं, ये डांगी खोला से आए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ महिलाएं आई हुई हैं। मैं इनसे पूछती हूँ कि हमारी नकुटा की डेयरी से इन्हें क्या फायदा हुआ ऐसा कि ये यहाँ आए। इनका दूध पहले कहीं और लगा होगा शायद, है ना, है दी? अच्छा, पर के मतलब तुमको सुविधा होने में यहाँ उड़ में नजीब है जरा, और सुविधा क्या है। अच्छा, और डबल टाक टाइम पे जा। अच्छा, बोनस के लिए सचिव मैडम से बात करेंगे अभी। बोनस वहाँ लगाया है ना, प्रोत्साहन आएगा क्यों नहीं आएगा। अच्छा, गोविंदपुर में इधर साल दो लगाए, एक रुपए बोनस नहीं दिया, उन्होंने धान बोनस भरो कर दिया। अच्छा, अब कुछ एक दिन तो मैं सुबह भी ज्यादा 13,000 बोनस भरो जहाँ दिनों में 13,000। तुम्हारे तो दूध ज्यादा ही छिपे। 14 लीटर दूध लाए मेरे पास। हाँ देखिए दोस्तों, 14 लीटर तो दो दो भैंसे थी मेरी। और यहाँ कितना है तारा दी, यहाँ कितना है? 3 किलो ना। तुम्हारा पूरा टोटल दूध कितना है यहाँ? टोटल 90 लीटर है। आ गए हैं और ये रहा मेरा पशु आहार का कट्टा। यहाँ तक मैं लाई, मेरी तबीयत खराब हुई है ना, तो इस वजह से ताकत जैसी नहीं आ रही है। तो ये दीदी जी के सर में रखा है मैंने। ये देखिए, रोटी भी हमारे साथ ही आया। रोटी हमसे पहले पहुंच जाता है, जहाँ हमें जाना होता है इसको पहले पता चल जाता है कि ये वहाँ जा रहे हैं करके, और ये पहले ही आ जाता है। 3 hours later. तो दोस्तों, अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है और मैं नाश्ता कर रही हूँ। मेरा मन कुछ भी खाने को नहीं कर रहा, जबरदस्ती खा रही हूँ, क्योंकि दवाई खानी है। तो दोस्तों, नाश्ता पानी हो गया है। आज थोड़ा किचन साफ करना है मुझे,
बहुत दिन हो गए हैं घर से बाहर, कभी किधर जा रही हूँ कभी कहीं जा रही हूँ। कल ब्लॉग गई थी तो जैसे टाइम नहीं मिल पाया, खाली ऐसे मोटा मोटा साफ किया था, तो आज किचन साफ करना है और मैं आप किचन साफ करती हूँ, आप लोग बने रहिए। बुलाने के लिए तो मानवी आज गई है अपने दूसरे दोस्तों के वहां। मैंने उससे बोला कि अभी तो घर चली जा, बाद में आएगी मानवी तो बाद में मिल लेना। फ्रिज बाहर निकाला क्योंकि मेरा फ्रिज खराब हो गया है, ये मेरी शादी में मेरे पापा ने दिया था मुझे, 11 साल कंप्लीट हो गए हैं इसको, अब ये भी नखरे दिखाने लग गया है। और इसका और कुछ नहीं, अंदर चूहे ने पीछे से इसके तार काट दी है, तो अभी हमने मैकेनिक बुला रखा है अल्मोड़ा से, वो आएंगे तो ठीक करके जाएंगे। दोस्तों बाहर मौसम कुछ ऐसा हुआ है आज, धुंधला धुंधला जैसा। दोस्तों कितनी भयंकर धूप लगी हुई है, 11:30 बजे का टाइम हो रहा है अभी, और वो जो फ्रिज साफ सही करने के लिए आने वाले थे भैया वो आ गए हैं, वो फ्रिज सही कर रहे हैं वहाँ बरामदे में, दिखाती हूँ आप लोगों को। दोस्तों अभी शाम के 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और ये रही हमारी रूपा, इसकी मम्मी चरने गई है, इसको मैं अभी घर लाई थी चराने के लिए, अब ये इसको मैं बंद कर देती हूँ। अभी शाम के 4:30-5 बजे का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ। मेरा सर दर्द बहुत तेज हो रहा है, बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, और बाकी चाय पानी के लिए है। अभी आपको दिखाया था मैंने कि फ्रिज सही करने के लिए आई हुई थी भैया, फ्रिज सही करके चले गए हैं, अभी बाहर ही है, अभी अंदर नहीं रखा है हमने। और अब मैंने जरा सा खेतों में पानी लगाना है क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग गई है, बहुत तेज़ धूप हो रही है और सारे मिर्ची के पेड़ जो हैं सूख जा रहे हैं। तो कल भी नहीं लगाया, कल भी तबीयत खराब थी, या सुबह भी नहीं लगाया, सर दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहा था, लेकिन मैंने कहा अभी लगा लेती हूँ क्योंकि सूख जाएंगे वो। अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है इसलिए बाहर बैठ गई लगाना, के बाद मिर्ची की खेत में पानी लगाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसी हुई है हमारी मिर्ची। तो दोस्तों देखिए अभी मैं खेतों में पानी लगा रही हूँ, इसमें मैंने मूली और मक्के लगा रखी हैं, और कल मैं घर नहीं थी, कल मैं हॉलबाग गई हुई थी, तो सारे किसी ये बगल वालों के गाय आके पूरे मक्के खा के चली गई मेरे, ये देख सकते हैं आप लोग। और इतनी अच्छी मूली हुई थी, इतने बड़े बड़े जड़े हुई थी मूली की, और वो भी खा गए हैं, दिखा दूँ आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों इतनी अच्छी बड़ी बड़ी मूली हुई थी ये, और यहाँ के तो पूरे खा के चले गए, इसके भी बड़े बड़े जड़े हुई थी मूली के। देखिए है हमारे घर की मूली, गर्मी के दिनों में बहुत अच्छा लगता है ना मूली का सलाद, इसलिए घरों में ही बोने में फ़ायदा है। देखिए दोस्तों ये पूरे मक्के खा दिए कल, पूरा यहाँ को, यहाँ जैसे मक्के यहाँ पे हो रखे हैं वैसे मक्के इधर भी हुए थे, सारे चट कर गए। मैं आई, मैं 3:30 बजे आई तो देखा मैंने 3-4 गाय आई थी खेत में, और इतने ही बड़े मक्के जितने यहाँ हुए हैं, इतने बड़े मक्के यहाँ भी हुए थे। बहुत नुकसान कर देते हैं जब हम लोग घर में नहीं होते हैं तो, अगल बगल वालों की गायें बहुत ही नुकसान कर देती हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक दीदी लगती है, ये हमारी जेठानी आई हुई है। आज इनके नाती का बर्थडे है। आज में नाती बर्थडे छा होता। अच्छा, क्योंकि सुबह पार्टी हाल्टी सब छो क्योंकि सब चौगिन है गई, छोले है गए, पूरी है गए, सूजी है गई। अच्छा, कत साल हो बनना है तुम्हारा? आलू कुटुब है गए। बबर है, कत साल है जाए? 19 लाख से पूरा जाए ना? 19 साल लगू को 19 छिपा। आप पाल्टी हनेल जमघम हो छुपा? पीनी पानी पाल्टी लो सर, खानिया खानी छू नया पीनी पानी है। अच्छा ठीक ठीक, खानी खानी थी। अच्छा, तो दोस्तों अभी रात के 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। खाना वाना खा लिया है, बर्तन साफ कर लिए हैं। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।